एवरीबॉडी वेलकम टू माई चैनल बेस्ट स्टोरी। टुडे इज़ माई टॉपिक एक्यूट रेनल फेलियर। तो आज का मेरा टॉपिक है एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, एक्यूट रेनल फेलियर। तो ये क्या होता है, ये कुछ घंटों या कुछ दिनों में शुरू हो जाती है। और रेनल का अर्थ होता है किडनी से रिलेटेड। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो पेशेंट की बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट कई अदर डिजीज़ जैसे हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होता है या हार्ट और या फिर किडनी से रिलेटेड कोई पेशेंट होता है, तब ये क्या रहता है कि एक्यूट रेनल फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। अगर उससे पहले से कोई डिजीज़ है तो उसे एक्यूट रेनल फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। एक्यूट किडनी फेलियर अगर व्हेन योर किडनी सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्लड। मीन्स इसमें एक्यूट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। एक्यूट एक्यूट मीन्स होता है कि शॉर्ट टर्म, मीन्स शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। रेनल का मीन्स होता है कि किडनी। फेलियर फेलियर मीन्स फेल होना, राइट। शॉर्ट टाइम के लिए किडनी फेल हो जाती है उसे बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। मीन्स कुछ दिन या टाइम के लिए किडनी फेल हो जाती है उसे बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर, राइट। जो अपनी किडनी हो गई, ठीक है, जो किडनी होती है वो अचानक वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना बंद कर दे ब्लड में से, उसे यानी कि ब्लड क्या करती है उसे बोलेंगे एक्यूट रेनल फेलियर। या फिर क्या कहेंगे इसमें से, जिसमें है व्हेन योर किडनी लॉस देयर एंड फिल्टरिंग एबिलिटी एंड डेंजर्स इंक्रीज लेवल प्रोडक्ट इन ब्लड। एबिलिटी मीन्स होता है कि ब्लड, ठीक है, एबिलिटी मीन्स होता है कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को बनाना। अगर वो अपना फिल्टरिंग एबिलिटी को लॉस करते तो उसको भी अपने एक्यूट रेनल फेलियर बोलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सही से फिल्टरिंग नहीं हो पाते तो ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। इसे ही बोलेंगे एक्यूट रेनल फेलियर। तो इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर इट इज़ अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। यानी कि रिवर्सिबल क्या होता है, इसमें जो रिवर्सिबल लॉस है ये क्या होता है कि वापस ठीक हो जाना, ठीक है, मीन्स जैसे किडनी फेल हुई वापस ठीक हो सकती है एक्यूट रेनल फेलियर में। ओके, किडनी फंक्शन का रिवर्सिबल लॉस होता है जब भी एक्यूट रेनल फेलियर होगा, जिस किसमें बर्न लेवल इंक्रीज होगा। बर्न का मीन्स होता है कि ब्लड यूरिया, मन का मीन्स होता है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल, इन दोनों क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद आएगा कोजेज। कोजेज में क्या है, प्री रेनल, इंट्रा रेनल, पोस्ट रेनल, राइट। यानी कि जो एक्यूट का मीन्स होता है कि रेनल फेलियर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कोजेज में, इसे अच्छे से समझने का सही तरीका है कि किडनी फेल हो रही है ये किस वजह से हो सकती है, किडनी में कोई यानी कि प्रॉब्लम हो या फिर किडनी से पहले कोई प्रॉब्लम हो, किडनी में ब्लड ही नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर मतलब क्या होगा कि फिर ब्लड तो किडनी में तो आ रहा है, किडनी भी सही काम कर रही है, पर किडनी के आगे कोई प्रॉब्लम हो बाहर यूरिन यानी कि बाहर यूरिन जाने तक, इन तीनों कारणों की वजह से किडनी फेल हो सकती है, इसे रेनल फेलियर बोलते हैं। किडनी से पहले क्या हो सकता है, तो इसमें आता है प्री रेनियल यानी कि कोज इन बिफोर द किडनी। तो इसमें क्या होगा, हार्ट फेलियर, बर्न एंड एक्सेट्रा। मीन्स इसमें क्या होगा कि हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट फेल हो गया तो जो ब्लड है वो प्रॉपर सही से पहुंच नहीं पा रहा, ये भी एक रीज़न हो गया, ठीक है। बर्न यानी कि बर्न में क्या होगा कि कोई पेशेंट उसकी यानी कि बॉडी का जो फ्लूड लेवल होगा, जो ब्लड लेवल है वो कम हो जाएगा और जलने से भी तभी भी क्या है ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो किडनी फेल हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रा रेनल। कोजेज एंड इंस्टाइन इसमें है इनसाइड द किडनी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। यानी कि इसमें कहा गया है कि इसमें किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी जो मतलब एक्यूट इसमें जो ट्यूबुलर और नेक्रोसिस है, जो ये ट्यूबुलर होती है, ठीक है, जो ये ट्यूबुलर होती है उसमें नेक्रोसिस होगी नेफ्राइट्स। अगर ग्लोमेरुल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो सकती है,
पर किडनी तो प्रॉपर, मतलब कि इसमें क्या है, पर ब्लड क्या है प्रॉपर आ रहा है, पर किडनी भी सही से, किडनी के आगे ब्लड फिल्टर हो, मतलब हो बन के तब अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो भी उससे किडनी फेल हो सकती है। जैसे कि क्या हो सकता है, यानी कि ब्लैडर में स्टोन, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। ब्लैडर में स्टोन का मतलब अपना क्या है कि इसमें ब्लैडर, उसमें स्टोन हो जाए, यूरेटर स्टोन, ठीक है। और जब यूरेटर स्टोन क्या मतलब कि अब जो यूरेटर स्टोन है वो क्या होता है, किडनी से लेकर ब्लड तक, ठीक है, यानी कि किडनी से लेकर ब्लैडर तक जो ले जाने वाला पाथवे होता है उसे ही यूरेटर कहा जाता है। अगर उसमें स्टोन हो जाए तो किडनी फेल हो सकती है। तो ये हो गया, क्या है ये, इसे बोलते हैं पास्ट रेनल, ठीक है। और तो इसके बाद जैसे इसमें कहा है कि जो इंट्रा रेनल है, ठीक है, इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे बोलेंगे इंट्रा रेनल, अगर किडनी में ऊपर से ब्लड आ रहा है तो उसे बोलेंगे प्री रेनल्स, राइट। अगर किडनी से ब्लड यूरिन निकलने के बाद ब्लैडर तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे बोलेंगे पोस्ट रेनल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, अब जैसे प्री रेनल कोजेज है, प्री रेनल कोजेज क्या होता है कि मीन्स, जैसे इसमें आपको मैं बता देती हूँ प्री रेनल कोजेज में क्या है, इसमें मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्री रेनल क्या होता है कि मीन्स रुकावट, ठीक है। इसमें के इंटरप्रिटेशन का मीन्स क्या होता है कि रुकावट, किडनी में कोई मतलब ब्लड आ रहा है या उसी में कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब ठीक है, और उसमें क्या होगा कि अच्छे से ब्लड नहीं आ पा रहा, प्रॉपर से मतलब सही तरीके से ब्लड नहीं आ पा रहा, उसे बोलेंगे प्री रेनल कोजिस, ठीक है। यानी कि ये प्री रेनल जैसे कि हार्ट अटैक, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे हार्ट अटैक हो गया और इसमें शोक हो गया या बर्न हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या पेशेंट बर्न हो गया तो किसी वजह से, जैसे एग्जांपल है जैसे हार्ट फेलियर या डिहाइड्रेशन, शोक, बर्न एग्जेट्रा, तो इसमें सेकंड आता है इंट्रा रेनल कोजिस। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि इंट्रा रेनल कोजिस में ये किडनी के अंदर होने वाले कोजिस होते हैं, किडनी में कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन होगी उसकी वजह से अगर फेल हो गया उसे बोलेंगे इंट्रा रेनल, जो 20 से 40%, ठीक है, केसेस होते हैं इंट्रा रेनल कोजिस की वजह से। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हैं ग्लोमेरुलू नेफ्राइट्स, एंट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आएगा, इसमें दिया जैसे पोस्ट रेनल फेलियर, इसमें भी आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार आपको देख लीजिए कि एक बार, तो इसमें जैसे मेंस किडनी के बाद वाले कॉजेज हैं, यहाँ तक उसे यानी कि पोस्ट रेनल कॉजेज बोलते हैं। इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो किडनी फेल हो सकती है, यूरिन का जो पासिस होता है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए उसे बोलते हैं पोस्ट रेनल कॉजेज। एग्जाम्पल है जैसे इसमें ब्लैडर स्टोन, यूरेटर स्टोन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि यानी कि ब्लैडर स्टोन, यूरेटर स्टोन एक्सेट्रा 5 से 10% केसेस होते हैं। इसके बाद आएगा फेजेस, तो फेजेस में क्या होगा, इसमें इंटीशन फेजेस है, इसमें बींग वेन यू किडनी इज द इंजर्ड बाई इंजर्ड एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट लॉस्ट एंड इसमें है फोम आवर्स ऑफ डेज, यानी इसमें कहा गया है कि जैसे इंसिशन फेजेस, अब किडनी इंजर्ड हो गई है और यूरिन का आउटपुट डिक्रीजेज हो जाता है तो वो सबसे पहला फेजेस होता है इंटीशेशन फेज का। ये सब कब रहेगा, लास्ट 4 hours to 2 days, मीन्स कुछ घंटों से कुछ दिन तक रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओलिगुरिया फेज, तो इसमें क्या कहा है, इसमें यूरिन आउटपुट एंड लेस देन 400 ml डे साइन एंड एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम एंड सच एज हाइपरटेंशन एंड एडिमा, हाइपरवॉल्यूमिया, इंक्रीज इन बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। ओलिगुरिया फेज क्या होते हैं, एक दिन में कितना 400 ml पर डेज में कम यूरिन यानी कि आउटपुट हो उसे बोलते हैं ओलिगुरिया। अब इसमें यूरिन आउटपुट कम है तो इसमें से यूरिन बाहर जा नहीं पा रहा, पर क्या हो रहा है कि इसमें बॉडी में तो क्या है फ्लूड बढ़ेगा, बॉडी में फ्लूड बढ़ता जा रहा है तो यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन, एडिमा, हाइपरवोलेमिया, मींस
बॉडी में जो फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किडनी फेल हो चुकी है तो वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी कि वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे ब्लड में, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ेगा, कैरेटिन लेवल बढ़ेगा, तो ये होता है ओलिगुरिया फेज में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट इसके बाद आएगा डायलिसिस फेज। इसमें क्या यूरिन आउटपुट स्लो एंड राइज एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द बर्न लेवल एंड कैरेटाइन लेवल, ठीक है। इसमें बताया गया है जैसे कि डायलिसिस फेज, इसमें क्या होता है कि यूरिन आउटपुट बढ़ना शुरू होगा और अभी भी आउटपुट बढ़ रहा है तो ग्रेजुअल और ब्लड फिल्टर हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो तो बर्न का लेवल भी कम होगा ब्लड में, वो बाहर जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, और क्रिएटिनिन का भी कम होगा, ये सब होता है डायलिसिस फेज में। तो इसमें क्या है रिकवरी फेज भी होता है, जैसे इसमें कहा गया है इसमें है एम्पावरमेंट इन GFR, यानी कि इसमें रिकवरी मीन्स होता है पेशेंट रिकवर हो रहा है और उसमें GFR यानी कि इंक्रीज होगा और इम्प्रूव हो जाएगा, फिल्टर नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, तो ये है फेजेस। इसके बाद नेक्स्ट आएगा पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होगा ड्यू टू एनी केजेस, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि क्या क्या स्टेप होते हैं एक्यूट रेनल फेलियर के, राइट। तो इसमें जैसे है कि फर्स्ट इसमें जैसे क्या है ड्यू टू एनी केजेस एंड डिक्रीज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जैसे इसमें फर्स्ट कहा है कि कोई भी कारण जैसे हार्ट फेलियर हो गया है या पेशेंट की किडनी पेशेंट की जो किडनी है वो डैमेज हो गई या फिर बर्न हो गया, इन सब की वजह से क्या होगा किडनी के पास ब्लड कम पहुंचेगा। अगर किडनी के पास ब्लड कम आ रहा है तो ये फिल्टर भी कम करेगी, तो GFR, ठीक है, तो GFR डिक्रीजेस हो जाएगा, मींस कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ब्लड कम फिल्टर हो रहा है, GFR कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा इसमें अगर नेफ्रॉन्स जो रहते हैं इसमें, ठीक है, इंक्रीज वर्क लोड ऑफ एंड इसमें है रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि नेफ्रॉन्स होंगे उन पर वर्क लोड बढ़ जाएगा, इंक्रीज वर्क लोड ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन। तो जैसे इसमें कहा गया नेक्स्ट इसमें नेफ्रॉन्स डैमेज, और नेफ्रॉन पर भी वर्कलोड बढ़ता जाएगा और नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू होंगे, जो नेफ्रॉन्स होंगे वो डैमेज होना चालू हो जाएंगे और नेफ्रॉन डैमेज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से रेनल, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा लॉस ऑफ रेनल फंक्शंस, उसकी वजह से रेनल जिसे हम किडनी बोलते हैं वो अपना फंक्शन लॉस कर देगी, अपना फंक्शन कम कर देगी, अब क्या होगा किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं करेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसमें क्या होगा इंक्रीज बर्न यूरिन एसिड इन ब्लड, यानी कि इसमें क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड और बर्न का लेवल बढ़ जाएगा, अब ब्लड में इसी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसमें क्या एक्यूट रेनल फेलियर, तो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से एक्यूट रेनल फेलियर होगा और ये स्टेप होते हैं एक्यूट रेनल फेलियर के। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिक्रीजेज यूरिन आउटपुट एंड ऑल द ओकेशनल यूरिन आउटपुट रिमेन नॉर्मल, यानी इसमें कहा गया कि डिक्रीज यूरिन आउटपुट जो आउटपुट होगा वो डिक्रीज होगा अगर किडनी फेल हो चुकी है, किडनी ब्लड को फिल्टर कर नहीं पा रही, यूरिन भी बन ही नहीं पा रहा, तो डिक्रीजेज होगा यूरिन आउटपुट। तो इसमें क्या होगा फ्लूड रिटेंशन एंड कोजिंग स्वेलिंग इन योर लेग एंकल्स और फिट, यानी कि फ्लूड रिटेंशन रिटेंशंस कैसे होगा जब यूरिन बाहर ही नहीं जा रहा और ब्लड फिल्टर ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो क्या होगा ब्लड के अंदर फ्लूड का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा लेग में स्वेलिंग होगी, एंकल के अंदर और फीट के अंदर स्वेलिंग होगी, राइट। इसमें जो बताया गया है कि जैसे इसमें हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है अगर बॉडी का फ्लूड बढ़ रहा है और बॉडी में यूरिन बाहर ही नहीं जा रहा और यूरिन इतना बन नहीं रहा तो बॉडी के अंदर फ्लूड बढ़ेगा जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा जिसे बोला जाता है हाई बीपी। तो इसमें क्या क्या होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, फेटिग्यू होगा एंड कंफ्यूजन होगी, चेस्ट पेन और प्रेशर, नोजिया होगा, वीकनेस होगा, इरेगुलर सो हार्ट बीट होगी। इसमें आ जाए डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ब्लड टेस्ट होगा इसमें, ठीक है, यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन किसे बोला जाता है जो भी हम टेस्ट करवाते हैं और डिजीज का पता लगाने के लिए, ठीक है, तो इसमें आ जाता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, इसमें क्या रेनल एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ये क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें ब्लड टेस्ट है, ठीक है, और इसमें कहा गया है जैसे
एजोटीमिया मीन्स होता है कि यूरिया और एन लेवल का ब्लड में बढ़ना, ठीक है, यानी कि उसका बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं एजोटीमिया। यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और क्या होगा इसमें, जो सीरम केराटिन का लेवल भी बढ़ जाएगा किसमें, ब्लड में। तो इसके बाद है इंक्रीज सीरम केराटिन का, क्या है इसमें ब्लड में लेवल इसका बढ़ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें आ जाता है नेक्स्ट आता है यूरिन टेस्ट, चेक अमाउंट ऑफ द यूरिन इन 24 आवर्स एंड हेमोसिट ब्लड इन द यूरिया। एंड इसमें यह कहा गया है कि जैसे 24 आवर्स में कितनी बार यूरिन पास आउट हो रहा है और उसे चेक करेंगे। हिमटूरिया मीन्स कि यूरिया में, ठीक है, यानी कि यूरिया में ब्लड तो नहीं आ रहा, तो इसको देखेंगे, ठीक है। प्रोटो जो इसमें बताया गया, जैसे प्रोटोन यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन का एक्सेस क्रिएट तो नहीं हो रहा, तो इसे देखेंगे, इस सब का, इन सब का चेकअप यूरिन में करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे इसमें है रेनल एंड अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सेस द साइज लोकेशंस एंड शेप ऑफ द किडनी एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। मीन्स इसमें कहा गया है जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी किस काम के लिए आती है कि किडनी का साइज, किडनी की लोकेशन, किडनी का शेप, इन सब की स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए रेनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है। एक सब नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पिक्टी वेव्स एंड वाइनेट क्यू आर एंड पी वेव्स एंड डिस्पेयरिंग। मीन्स इसमें कहा इसे ईसीजी भी बोला जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसे ईसीजी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि टी वेव्स एंड, और इसमें क्या होगा कि टी वेव्स एंड पिक्ड एंड वॉइनेड और क्यू आर है, तो इसमें ई सी जी को पढ़ेंगे और उसमें टर्म समझ में आएगी। तो किडनी बायोप्सी आ जाता है इसमें, रिमूविंग ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ किडनी टिश्यूज ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग, यानी इसमें कहा है इसमें कि जो किडनी होगी, ठीक है, उसका मतलब कि स्मॉल टिश्यू निकालेंगे, उसे लैब में टेस्ट किया जाता है और कहीं किडनी में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब टेस्ट होते हैं एक्यूट रेनल फेलियर में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा मैनेजमेंट, इसमें है फार्माकोलॉजिक थेरेपी, ठीक है। फार्माकोलॉजिक थेरेपी क्या होता है कि सबसे पहले, ठीक है, यानी कि इसमें कहा है कि जैसे फर्स्ट इसमें दिया गया है, तो इसमें है डायुरेटिक एंड थेरेपिक, मीन्स ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती है। और टैबलेट कौन सी देनी पड़ती है इसमें, इसमें दी जाती है, इसमें फरूसामाइड एंड मैनिटोल दी जाती है, ठीक है, ये दो टैबलेट इसमें दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, डिक्रीज ब्लड प्रेशर्स एंड इसमें है ट्रीट हाइपरटेंशंस। तो इसमें कौन कौन सी क्या क्या दिया जाता है, इसमें हाइपरटेंशन को कम करने के लिए क्या देंगे, तो इसमें है एंटी हाइपरटेंशंस, ये क्या करेंगे, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंसिव को क्या करेंगे, ये ट्रीट करेंगे, क्या देंगे इसमें, कैप्टोप्रिल, ठीक है, इसमें क्या क्या देंगे, कैप्टोप्रिल एंड पैरासिटामोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट शुड बी गिवन, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस अमाउंट देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आएगा न्यूट्रिशनल एंड थेरेपिक, यानी कि हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन सोडियम एक्सेट्रा, मीन्स इसमें क्या देंगे, इसमें जो फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस मीन्स होता है कि जैसे क्या देंगे, हाई कैलोरीज और लो प्रोटीन सोडियम डाइट देंगे, ठीक है। इसके बाद डायलिसिस में होगा, डायलिसिस इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ द रिमूव फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, हीमोडायलिसिस एंड प्रीनाटल डायलिसिस, यानी इसमें कहा गया है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस मीन्स जो नेचुरल नहीं होता, जो किडनी काम नहीं कर रही है, जो क्या है मैनमेंट तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से फ्लूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, उसे बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं डायलिसिस। ये टू टाइप के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड इसमें है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये टू टाइप्स के होते हैं। और इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी है और आप उसे भी देख सकते हैं, और उसकी पूरी आपको प्रोसेस बताया गया है कैसे कैसे, मतलब जो मशीन है, जो डायलिसिस की मशीन है, वो कैसे कैसे ब्लड को फिल्टर कर रही है, और इसकी पूरी डिटेल भी आपको एक दो वीडियो मिलेंगी, तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या, एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, इसके जो मैनेजमेंट क्या है, क्लिनिकल क्या है, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।